आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अभी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही को मिलेगा। दोस्तों आज हम आपके लिए आए हैं टॉपिक मुंशी जी प्रेमचंद के ऊपर। यह क्वेश्चन डे नहीं के ऊपर बनाया है, आप टेलीग्राम से जरूर आए होंगे क्योंकि हमने वहाँ पर ये क्वेश्चन छोड़ा था। तो आप वीडियो देखो, आराम से सारे क्वेश्चन के आंसर प्राप्त कीजिए। दोस्तों आपका जो पहला क्वेश्चन है, प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है, उनकी माता का नाम आनंदी देवी था तथा पिता का नाम मुंशी अजय राय था, जो लम्ही में डक मुंशी थे। उनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। तो दोस्तों इसी तरह दोस्तों अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जो आज के जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, प्रेमचंद के बेटे का क्या नाम है? तो दोस्तों उनके दो बेटे थे, अमृत राय और श्रीपत राय। दोस्तों इसी तरह अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जो तीसरा क्वेश्चन हमारा है, प्रेमचंद की भाषा कौन सी थी? दोस्तों वही सिंपल राइट आंसर है, हिंदी, क्योंकि वो हिंदुस्तानी थे। तो दोस्तों इसी तरह अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जो आज का जो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, मुंशी प्रेमचंद नाम कैसे पड़ा उनका? तो दोस्तों सोजे वतन के प्रकाशन के बाद नबा राय के नाम प्रतिबंध लगाने के बाद वे धनपत राय के नाम से लिखते थे। उस समय जमान पत्रिका के संपादक मुंशी दयानंद राम निगम ने उन्होंने धनपत राय के बदले प्रेमचंद के नाम से लिखने की सलाह दी। उनकी सलाह धनपत राय को पसंद आ गई और उन्होंने प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू कर दिया। तो पाँचवें क्वेश्चन की जब चलेंगे आज के दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ पर हुआ था? लम्ही वाराणसी में। तो दोस्तों छठे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, हिंदी में प्रेमचंद की आखिरी कहानी कौन सी है? दोस्तों प्रेमचंद लेखक का कार्य शुरुआत जमाने पत्रिका से की थी। शुरुआत में वह धनपत राय के नाम से लिखते थे। इनकी पहली कहानी सरस्वती पत्रिका के शोध नाम से प्रकाशित हुई थी। 1936 में आखिरी कहानी कफन नाम से प्रकाशित हुई थी। इन्होंने उर्दू हिंदी में विभिन्न उपन्यास लिखे हैं। तो दोस्तों सातवें क्वेश्चन की जब चलेंगे आज के हमारे जो सातवां क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद के जूते क्यों फट गए थे? दोस्तों इसका राइट आंसर है, लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर लोहे की पतली निकल जाती है और छेदों में बंद डालने की परेशानी होती है, तब बाद कैसे भी कस लिए जाते हैं। दाहिने पाँव का जूता ठीक है मगर बाएँ जूते में बड़ा छेद हो गया जिससे वह उंगली बाहर निकल आई है। दोस्तों आप समझ गए होंगे। तो इसी तरह दोस्तों आठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, प्रेमचंद जी का बचपन कैसे बीता? प्रेमचंद का बचपन गांव में बीता था। वे नटखट और खिलाड़ी बालक थे और खेतों में साग सब्जी और पेड़ों के फल चुराने में दक्ष थे। उन्होंने मिठाई का बड़ा शौक था और विशेष रूप से गुड़ से उन्हें बहुत प्रेम था। बचपन में उनकी शिक्षा दीक्षा लम्ही में हुई और एक मौलवी साहब से उन्हें उर्दू और फारसी पढ़ना सीखा। तो इसी तरह दोस्तों अपने नौवें क्वेश्चन पर चलते हैं, शादी के समय मुंशी जी प्रेमचंद जी की आयु कितनी थी? उनकी आयु के बारे में पूछा जा रहा है। तो 15 साल की उम्र में उनका विवाह कर दिया गया था। पत्नी उम्र में बड़ी बदसूरत और झगड़ालू मिजाज की थी जिसने उनके जले पर नमक का काम किया। उन्होंने इस दुखद अनुभव के बारे में खुद लिखा है, उम्र में वह मुझसे ज़्यादा थी। दोस्तों इसी तरह दोस्तों अपने दसवें क्वेश्चन पे, हमारा आज का दसवां क्वेश्चन है, मुंशी जी प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 अक्टूबर 1936। दोस्तों 11वें क्वेश्चन की जब चलेंगे, प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ? प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को जन्म हुआ था। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने के लिए। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, शेयरिंग भी कीजिए और साथ ही साथ कमेंट करके बताइए अगला टॉपिक आपको किस पे चाहिए। और दोस्तों डिस्प्ले पे आपको वीडियो नज़र आ रहे होंगे, इस वीडियो को देखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।